हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शिक्रेम शिकनी सर और आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड मारुति सुजुकी की ओमनी है, ये बहुत ही मिस फायर कर रही है। इसका पिकअप बिल्कुल डाउन हो चुका है और माइलेज भी एकदम कम हो चुका है। तो क्या प्रॉब्लम है, हम किस तरह से इसे शॉर्ट आउट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, मैंने इसकी जो इंजेक्टर और स्पार्क प्लग है ये ऑलरेडी मैंने चेक करा है, ये अच्छे से और प्रॉपरली काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, जब मैंने इसकी टोटल बॉडी जब खोला तो उसके अंदर इतना डस्ट, बहुत डस्ट था और इसका ऐसे वाले वो पूरा जाम हो चुका है और साथ ही साथ उसकी एयर फिल्टर की तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड। तो हम इसके टोटल बॉडी आज क्लीन करने वाले हैं, क्या प्रोसेस है उसका क्लीनिंग का, उसकी सेटिंग किस तरह से है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये मारुति की ओमनी, इसका पिकअप बिल्कुल डाउन हो चुका था और मैं आपको बताता हूँ, एवरेज भी बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। पिकअप तो इतना डाउन था कि चल ही नहीं रही थी ये रोड पर, और इतनी मुश्किल हो रही थी फ्रेंड ड्राइव करने के लिए, बार बार हमें गियर चेंज करना पड़ रहा था। तो मैं इसे अभी लेकर आया हूँ, काफ़ी वक्त भी हो चुका है। तो मैंने फ्रेंड इसके इंजेक्टर वगैरह चेक करे, प्लग वगैरह भी चेक करे, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो टोटल बॉडी फ्रेंड मैंने खोला तो ये टोटल बॉडी में इतना डस्ट आपको बताता हूँ मैं। तो इसकी टोटल बॉडी मैं क्लीन करने वाला हूँ, क्या प्रोसेस है, किस तरह से क्लीन करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताऊँ, और इंशाल्लाह हम इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देंगे। तो बताता हूँ मैं आपको टोटल बॉडी, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें फ्रेंड, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए हम अभी इसकी टोटल बॉडी क्लीनिंग के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। और एक बात और फ्रेंड, इसका जो एयर फिल्टर है आप देख सकते हैं, इसकी भी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। देखिए फ्रेंड, काफ़ी वक्त हो चुका है इसे रिप्लेस करा हुआ, और ये बहुत ही हल्की क्वालिटी का है फ्रेंड, देख सकते हैं आप इसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। तो हमें जूनियन पार्टी यूज़ करना है फ्रेंड ज़्यादातर। तो चलिए मैं आपको इसकी टोटल बॉडी बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये उसकी टोटल बॉडी, देखिए फ्रेंड कितना डस्ट है इसके अंदर, और पीछे से भी इतना डस्ट है फ्रेंड, इतना डस्ट रहने के बावजूद देख सकते हैं आप, देखिए फ्रेंड कितना डस्ट है। तो इसे हम अभी क्लीन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड। तो मैंने इसका टीपी सेंसर और मैप सेंसर खोला है अभी, अभी हम इसका एसी वाले भी खोलने वाले हैं, वो भी चेक करने वाले फ्री है या जाम। फ्रेंड मैंने इसका आईसी वाल का भी सेंसर निकाला है, तो अभी देख सकते हैं ये भी पूरा जाम है फ्रेंड, एकदम फ्री होना चाहिए, ये बहुत ही जाम है। तो अभी हम इसकी चार बोल्ट खोल के आईसी वाल को बाहर लेकर अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद में आपको बताता हूँ ये किस तरह से घूमना चाहिए। देख सकते हैं फ्रेंड आप इसके अंदर कितना डस्ट है, तो अभी हम इसे क्लीन करेंगे। और यहाँ पर बैठता है फ्रेंड इसका मैप सेंसर, अंदर भी बहुत ही डस्ट है, इसे भी हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने से पहले फ्रेंड हमें जो इसकी रिंग है ये अच्छे से निकाल कर साइड में रख देना है, इसमें इसको अगर डीजल या पेट्रोल लगा तो ये ख़राब हो जाती है। तो चलिए अभी हम इसकी क्लीनिंग की प्रोसेस करते हैं।
और ये देख सकते हैं आप एसी वाली ये एकदम फ्री हो चुका है। ये इस तरह से फ्री होना चाहिए फ्रेंड। अगर ये फ्री नहीं रहा तो हमारी गाड़ी जो है फ्रेंड वो पिकअप में लेने में थोड़ा प्रॉब्लम देती है, तो अभी हम इसे इंस्टॉल करते हैं। टोटल बॉडी कंप्लीट करके हम गाड़ी को लगाते हैं फ्रेंड, उसके बाद ट्रायल लेते हैं। इसके जो सेंसर है ना फ्रेंड, हमें क्लीनिंग करने के लिए ये रस्टॉप आता है, इससे अच्छे से क्लीन होते हैं सेंसर। पेट्रोल और डीजल से करने से बेहतर है कि हम इससे करें। इसके सेंसर जो है फ्रेंड वो भी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं अभी, तो मैं अभी इसे इंस्टॉल करता हूँ और फिर आपको मैं इसकी टोटल बॉडी बताऊँगा। अभी देख सकते हैं फ्रेंड हमारी टोटल बॉडी अच्छे से क्लीन होकर और उसकी पूरी फिटिंग हमने कर दी है और हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे। अब देख सकते हैं हमने इसे किस तरह से और अच्छे से क्लीन करा है। बहुत ही डस्ट है फ्रेंड इसमें। अभी अच्छे से क्लीन हो चुकी है और हम इसे अभी फिटिंग करने वाले, तो फिटिंग करने के बाद मैं आपको बताता हूँ गाड़ी किस तरह से चल रही है, मिसिंग वगैरह कर रही है या नहीं। तो चलिए हम इसे भी फिटिंग करते हैं। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल ही एकदम सी साइलेंट है, कुछ मिसिंग नहीं कुछ नहीं, एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी। देख सकते हैं आप एकदम अच्छे से गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। का चेक इंजन लाइट भी आ रहा था फ्रेंड, वो भी चला गया है। तो अभी हम फ्रेंड इसका एयर फिल्टर वगैरह सब इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद गाड़ी की अच्छे से ट्रायल लेंगे।
गाड़ी एकदम बिल्कुल साइलेंट है फ्रेंड, अभी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से किए फ्रेंड हमने इसकी टोटल बॉडी अच्छे से क्लीन, यही प्रोसेस होता है फ्रेंड इसकी, कोई भी पेट्रोल गाड़ी हो उसे अच्छे से क्लीन करने का यही प्रोसेस है इसकी टोटल बॉडी का। तो मैं इसका एयर फिल्टर वगैरह सब पूरी सीट वीट सब फिटिंग करता हूँ, उसके बाद एक मैं इसकी अच्छी से लंबी सी ट्रायल लेता हूँ फ्रेंड, और फिर आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ कि किस तरह से गाड़ी चल रही है, एवरेज दे पा रही है या नहीं, पिकअप ले पा रही है या नहीं, वो सब मैं आपको ट्रायल लेने के बाद पूरी डिटेल बताता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड। और तो ये देख सकते हैं फ्रेंड आप, हमने इसकी पूरी मुकम्मल फिटिंग कर दी है और अभी हम ट्रायल के लिए आए हैं। गाड़ी एकदम अच्छी चल रही है फ्रेंड, और पिकअप भी बहुत माशाल्लाह ले रही है, अभी एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी। तो देखा फ्रेंड हमने इसका जो प्रॉब्लम था किस तरह से शॉर्ट आउट करा। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।